हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? होप सब ठीक होंगे। पुराना साल जो जा रहा है तो उसे गुड बाय करो, नया साल आ रहा है तो उसे वेलकम करो, राइट? बहुत लोग एक्साइटेड होंगे ना नए साल का वेलकम करने के लिए, पर कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि 2023 का हमारा कैलेंडर जो जा रहा है, राइट? एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन में एक साल बदल जाएगा। वाओ, कितनी अमेजिंग चीज़ है ना। पता है 2024 किन लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज लेके आने वाला है? यू नो व्हाट, जिनका बर्थडे 29 फेब को होता है उनके लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि हर साल उनका बर्थडे नहीं आता है, चार साल में एक ही बार आता है। तो वो लोग बहुत लकी है जिनका बर्थडे 29 फेब को आ रहा है। और ये 2024 ये जो हमारा कैलेंडर है ना, वो लीप ईयर लेके आ रहा है, तो उनका बर्थडे बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट होने वाला है। छोड़ो, ये तो मजाक की बात थी। सो प्लानिंग कर रहे हो बहुत कुछ? ओ माई गॉड, बहुत कुछ करना है ना 2024 में, बहुत कुछ करना है। गलत आदतों को छोड़ना है, रोज सुबह उठना है, अच्छी हैबिट को एक्सेप्ट करना है। कितनी बड़ी लिस्ट बनी है, बस 10 ही टारगेट। किसी किसी के कम भी होंगे, किसी किसी के उससे भी ज़्यादा होंगे। बहुत कुछ सोच के रखा होगा। फॉलो करते हो? हर साल तो बनाते हो, बोर नहीं हो गए हर साल वही सारी चीज़ें वही लिस्ट बना के? कितनी फॉलो करते हो? 100%, 50%, 20%, हाउ मेनी? कभी कभी कोई कोई फॉलो करता भी होगा, पर मुझे गारंटी नहीं है 100 में से इसका काउंट 2% हो सकता है। बहुत हो गया 2% जो अपनी बनाई लिस्ट को फॉलो करता हो, राइट? आपने भी बनाई है, मैं भी बनाती थी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, चीज़ें फॉलो अप ही नहीं होती। करने वाले करते होंगे, पर हमसे तो नहीं हुई। बट उसके बाद मैंने एक चीज़ सीखी, एक्सेप्ट भी की और फॉरवर्ड भी कर रही हूँ। सिर्फ इतना सोचती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने पिछले कैलेंडर में की है वो गलतियाँ मैं आगे ना दोहराऊँ। जिन्होंने मुझे हर्ट किया है मैं उनको माफ़ करके वही छोड़ दूँ, ना कि वो नेगेटिव थॉट लेके मैं नेक्स्ट कैलेंडर में एंटर करूँ। ये चीज़ आप भी फॉलो करो। और जो डिसअपॉइंटमेंट रहती है सबके लाइफ में, हमें खुद लगता है, सिर्फ हम ही लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं इस दुनिया का सबसे खराब इंसान हूँ, मेरा गुड लक ही नहीं है। हर कोई यही सोचता है। अगर हर कोई यही सोचता है तो हम यूनिक कैसे हुए इनमें? हमारी प्रॉब्लम जो है ना, हमें बहुत बड़ी लगती है, हमें लगता है ये क्या है यार, सबके पास सेम ही प्रॉब्लम होती है। ओके, बट जो प्रॉब्लम तुमने पिछले साल फेस की थी, पिछले ईयर में फेस की थी, पिछले कैलेंडर में फेस की थी, वो आगे लेके मत जाओ, उसे वही रिजॉल्व करो, वही शॉर्ट आउट करो। उसमें से जो सोल्यूशन मिला है ना, सोल्यूशन को लेके जाओ, ना कि प्रॉब्लम को। गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे गलतियाँ नहीं होती, पर अपनी गलतियों से जो चीज़ आपने सीखी है ना, वो सीख आके लेके जाओ, ना कि वो गलतियाँ दोहराने की हैबिट। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो वक्त पे संभाल लो। जैसे रहता है सोचते रोज है मैं सुबह उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उठते कभी नहीं है। और जब आप इस हैबिट को फॉलोअप करने लगोगे ना, तो खुद में खुद आपके हैबिट में आ जाएंगे। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा रोज़ कि मैं सुबह उठूंगा और रोज़ 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठता हूँ। एक एग्जाम्पल था, हर चीज़ से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। कुछ सीखना चाहते हो तो नया सीखो। दुनिया में बहुत कुछ सीखे सीख के लिए, बहुत कुछ। ये मत सोचो कि मैं एक IT का स्टूडेंट हूँ तो मेडिकल का नॉलेज लेके क्या करूँगा, मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो IT का नॉलेज लेके क्या करूँगा। वर्ल्ड बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है और हम सोचते हैं कि हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आ रही है ना, तो उसे एक्सेप्ट करो, उसे ग्रो करो, उसे सीखो। सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिग्रेट मत करो। लाइफ में जब आप कोई डिसीजन लेते हो, आप ये सोच के नहीं लेते हो आगे कि आगे चल के मेरा ये डिसीजन सही होगा या गलत होगा। इट्स ओके अगर आपका डिसीजन सही हुआ है, देन इट्स गुड फॉर यू। बट इफ इट इज़ रॉन्ग, देन इट्स ओके। उसका रिग्रेट मन में लेके आगे मत बढ़ो, वो वही छोड़ दो। चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो। बहुत कुछ है दुनिया में सीखने के लिए, बहुत कुछ। खुद पॉजिटिव रहो, आजू बाजू को पॉजिटिव रखो, एनवायरमेंट पॉजिटिव करने की कोशिश करो, खुद बेटर बनने की कोशिश करो, ना कि पिछले कैलेंडर को गोइंग फॉरवर्ड आगे लेके आने की कोशिश ना करो। छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव करो, चेंजेस होते रहेंगे। बहुत लोग, मैं भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस पॉइंट पर पहुंच चुकी हूँ कि मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल गया। नो, आई एम स्ट्रगलिंग हियर टू सेटअप माई लाइफ। और हर कोई यही कर रहा है, बहुत से लोग यही है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, किसको एंट्रेंस का टेंशन है, किसको कॉम्पिटेटिव का टेंशन है। मुझे भी है, बहुत है, बहुत डिप्रेस होते हैं हम कभी कभी, बट निगेटिव वैसे मत सोचो। लाइफ में अगर आप एक चीज़ को लेकर चल रहे हो ना, सच में बहुत लोग कहते हैं कि मल्टी माइंडेड नहीं होना चाहिए, अगर आप एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो ना तो दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है, अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो साइड बाय साइड अपनी और चीज़ें ग्रो अप करो, अपना टैलेंट किसी और चीज़ में ग्रो अप करो जिसमें आपको कभी इंटरेस्ट था। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो IT सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं पर उनका जो इंटरेस्ट होता है किसी और चीज़ में होता है। सीखो, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, उसका नॉलेज गेन अप करो। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाली, कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाली। सो अपनी 2024 को बेटर बनाओ। आई मस्ट सेइंग, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी को लो। नेगेटिव पीपल को दूर करो अपने लाइफ से,
ओके, जो आपको बोलता है कि फैशन को फॉलो मत कर, अपने पैशन को फॉलो मत कर, छोड़ो भाई, उसे बोलो जादू अपने रास्ते निकल, अपने पैशन को भी फॉलो करो, अपने करियर को भी फॉलो करो। वक्त सबके पास होता है, वक्त नहीं है ये रिग्रेट मत करो। मैं खुद बता सकती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट होते हो ना, आप उसको घंटों दे सकते हो। जो इंसान आपको पसंद नहीं ना, उसको आप एक मिनट भी नहीं दोगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं ना, उसको आप एक मिनट भी नहीं दोगे। पर अगर कुछ सीखना चाहते हो तो सच में 2024 में सीखो। आप जानते हो कि कोरोना के बाद अपना जो ईयर है ना, इतना ग्रो अप किया, 10 साल आगे निकल आया है बोल सकते हो। जब 2017, 18 या 19 की बात करें, इतना डिजिटलाइजेशन था नहीं, शायद इतना डिजिटलाइजेशन ग्रो अप करने के लिए ना बहुत समय लग जाता। लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो मिस्टेक आपने 2023 में की है, उसे 2024 में मत लेके जाओ। स्ट्रगल कर रहे हो तो होप मत हारो। आपकी स्ट्रगल कभी भी, क्या बोलते हैं हमसे, बेकार नहीं जाएगी। आपकी स्ट्रगल कभी भी बेकार नहीं जाएगी। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ ऑल्सो। सबसे पहले खुद पे भरोसा करो, लोगों से पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखो। ओके, सो वार्म वेलकम नहीं बोलूँगी क्योंकि ठंड होती है, तो कोल्ड वेलकम टू 2024। अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।